यूएस तो मुझे लगता है कि आई थिंक मैं गलती से ही चला गया <laughs> गलती से मतलब मुझे लगता है मैं जानना मतलब ही नहीं चाहिए था वो, वो, वो पता नहीं कैसे हो गया ओके okay. क्योंकि मेरा क्या था कि शुरू से अपना दिल्ली में पले बढ़े <laughs> और यहाँ पे अपना था कि मेरा बस ट्वेल्थ जो है मेरा दो बार फेल हो गया <laughs> दो बार फेल हो गया <laughs> कॉमर्स में साइंस में थे। साइंस में साइंस साइंस था ओके और ही करना था ऐसे साइंस कंप्यूटर का शौक था सब कुछ करना था दो बार जो है फेल हो गया यार मुझे लगा एक बार तो चलो चलता है दो मतलब दो बार फेल कैसे हो गए <laughs> खुद, को लग, खुद को लगता है और दो बार में क्या है कि एक बार फेल होने के बाद लगता है कि आप तो मतलब बिल्कुल नकारा हो मतलब था घर में घर में तो छोड़ो मतलब के चाचा ताओ मतलब मामा सब अंकल वंकल सब ने तो भाई आपका टाइम आ गया आप चपड़ासी बाप बन जाओगे तो हमारे बच्चे तो सारे ठीक है आप तो फेलियर हो आई थिंक आपका कुछ नहीं हो सकता उसको करके सेकंड बार भी फेल हो गए पहले तो ठीक है हो गए गलती से हो गए है ना दूसरी बार भी हो गए और पहली बार भी फेल कैसे हुआ मुझे कुछ दोस्त ऐसे मिले जो ग्यारहवीं क्लास में बोला कि एक काम करते हैं सेल फोन का बिजनेस बनाते हैं तो बना हाँ मतलब ये गफ्फार मार्केट की बात है अच्छा ओके आई थिंक मैंने कभी शेयर आई थिंक नहीं करा कभी तो ग्यारहवीं में बोलते हैं कि काम करते हैं गफ्फार से जाके फ़ोन खरीदते हैं जो ठीक ठीक होंगे साफ आप करके उनको अपना मार्जिन में भेज देंगे स्कूल के अंदर ही तो वो लोग हम लोग करते थे फोन तो कभी बिका नहीं <laughs> 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 फेल जरूर हो गए तो गफार मारते थे सेकंड हैंड हाँ फोन तो मिले वो फोन मतलब अपने काम आए बाद में <laughs> 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 फोन नहीं बिके लेकिन फोन नहीं बिके और उस गफार में जाना आना और ढूंढना लोगों को पढ़ाई तो उसमें नहीं हुई और लिटरली जो है भाई अपना फेल एक बार हो गए एक बार के बाद अब दूसरे स्कूल उसमें तो जाना नहीं है स्कूल में आप कैसे जाओगे जो ग्यारहवीं के बच्चे वो बारहवीं में आ गए हम बारहवीं वाले बैठे उनके साथ तो वो तो जानते तो, तो करना ही नहीं था शर्म आती है शर्म आती है तो अपना निकल के वहाँ से कहीं और थर्ड क्लास में चले गए चलीस कम से पास हो जाए सेकेंड बार भी फेल हो गए तीसरी बार ऐसा हुआ कि मैंने जो है मतलब सिक्योर करने के लिए तो मैं सोचा कि यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो बेइज्जती हर जगह से हो रही है मतलब घर में तो हो ही रही है रिश्तेदार में बेजती हो रही है अब तो लगता है पड़ोसी में मतलब हर जगह बेजती है दोस्त जो चले गए जो कुछ कर चुके हैं कॉलेज चले गए हम तो मतलब यहीं पे फंसे रह गए बस सेकंड ईयर में पहुंच गए तो हाँ मतलब बहुत बड़ा मतलब फेल आई थिंक फेल होना इंडिया में आई थिंक और आप अगर सोचो कि आपकी उम्र पंद्रह से अट्ठारह के बीच है आई थिंक इससे बड़ा कोई गुना आपके साथ नहीं हो सकता है फेल होने का मतलब है कि आपको जो है दुनिया लेवल कर देगी कि आप बिल्कुल आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो आप कुछ हो ही नहीं आप बिल्कुल बकवास हो और बेकार हो आप किसके कुछ नहीं पता फेल होने का मतलब है आप जो है अगर ना रहो तो ही अच्छा है आई थिंक ऐसा है एंड आई थिंक लोग आस पास फील कर बहुत एकदम ऐसा फील कराते हैं आई थिंक क्योंकि छोटे में क्या पता जो ट्रामा जो आपका होता है ना आ, उसको समझाना भी बहुत मुश्किल है कि आप उस उम्र में जो आपकी उम्र आप डेवलप कर रहे हो टीन एज हैं उसमें अगर आप ऐसा होता है हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता हर बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा होता है जरूरी नहीं कि वो ध्यान लगाने में अच्छा हो है ना और जो कुछ लोग ध्यान लगाते हैं ये नहीं कि उसका मन करता है पढ़ने का हो सकता है आप बहुत स्मार्ट हो ध्यान भी लगता है लेकिन मन नहीं करता है करने का मुझको नहीं पढ़ना है है ना लेकिन सोसाइटी क्या है कि भाई आपको तो पढ़ना ही है आपको टॉप ही आना सबको टॉप चाहिए सबको नाइन्टी ही चाहिए है ना सबके बच्चों को लगता है कि आप फर्स्ट ही आ जाओ तो उसमें था कि वो जो प्रेशर था ना मुझे लगा काम करते हैं भाग जाते हैं तो मेरा प्लान था कि यहाँ से अपना ऑस्ट्रेलिया में भाग जाता हूँ लाइक लिटरली अप्लाई करना शुरू करा स्कूलों में कि यहाँ से निकल जाते हैं स्कूल में हाँ स्कूल्स में मतलब बारहवीं वहीं से करेंगे तीसरी बार जो है वो <laughs> वहीं से करेंगे तो मैं मेरे पापा ने मुझको पकड़ लिया पता नहीं क्या प्लान था कोई लेटर वेटर आ गया घर पर वो बस बस पकड़ लिया उन्होंने बोला कि काम कर अगर भागना ही है ना तो अमेरिका जा तुझे अगर भागना ही है ना और तू तेरे बस की यहाँ नहीं है कुछ करना क्योंकि तू आई में तो जाएगा नहीं ना तो ऐसे डी क्रैक होगा ना आई क्रैक होगा बस तुझसे क्रैक यहाँ कुछ नहीं होगा तो अगर लगता है कि बिल्कुल ये है और भागना ही है तो भाग अमेरिका क्योंकि शायद तू कुछ हो जाए यहाँ तो ज़रा कुछ होने वाला नहीं है फिर बारहवीं में लगा के चलो ठीक है कि भागना है और आ, अमेरिका जाना है तो एक काम करते हैं कि ओपन एग्जाम देते हैं डबल मतलब और पढ़ाई भी करते हैं तो आई थिंक मैं दोनों से पास हुआ मेरी बारहवीं एक्चुअली में ओपन से और सीबीएस दोनों दोनों से पास, दोनों से पास।, से पास हो गया नाइस बाय मार्जिन जिसे कहते हैं और मेरा फाइनली आई थिंक वो जो मोटिवेशन था ना के यहाँ पे फेल हुए किसी ने सपोर्ट नहीं करा आई थिंक यहाँ निक बस यहाँ से निकलना है मोटिवेशन निकलने का था पढ़ाई से कुछ नहीं है यहाँ से भाग जाना तो वो उसमें जो है बाय मार्जिन पास हो के पहली फ़्लाइट मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट मेरी अमेरिका ही थी और मुझे कुछ नहीं पता फ़्लाइट क्या होता है मैं पता ही नहीं कि फ़्लाइट में घुसते भी कैसे कभी देखा ही नहीं तो फ़्लाइट में जाके आई जस्ट बैठ गया और सबको देखा कि सीट बेल्ट कैसे पहनते हैं मतलब आसपास देख डा के सत्रह साल की उम्र थी तो कुछ पता नहीं है तो आई थिंक कर कर आके देख दाग के अपना कहीं ना कहीं के इंग्लिश इंग्लिश भी बोली इतनी अच्छी नहीं आती थी हुँ। अपना हुँ। जो है अमेरिका पहुंच गए <laughs> फिर वहाँ पे कौन से कॉलेज में गए क्या किया अमेरिका में जाके क्या किया ले पहले <laughs> तो मैं अपना पेंसिल्वेनिया में था तो पेंसिल्वेनिया में छः एक महीना बिताया मैंने अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और वहाँ पर जो है इंग्लिश तो आधा नहीं था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया नहीं पेंसिल्वेनिया में एक यूनिवर्सिटी था ज्ञानन यूनिवर्सिटी ओके हाँ लेक एरी के पास एक गैनन यूनिवर्सिटी था वहाँ मैं कंप्यूटर इंजीनियर हो गया मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तो वहाँ पे भी क्या है कि मैं तीसरा इंडियन था okay. पूरे अंडर ग्रैंड प्रोग्राम में पूरे okay. थर्ड इंडियन वहाँ तो जाते ही नहीं इंडियन अंडर ग्रैंड में ग्रेड में तो बहुत थे जाते ही नहीं अब वो दो तो मेरे सीनियर थे और वहाँ पर गया तो, तो इंडियन से उनसे तो कुछ था नहीं इतना लेकिन वो मिले और आई थिंक मेरा था कि चलो मैं अकेला ही हूँ इंग्लिश बोलनी आती नहीं है यहाँ पंस गया यहाँ से भागे कैसे उसका लगता है कि बस घर जाना है घर जाना है घर जाना तो पापा ने बोला एक बार तेरे अकाउंट में जो है मैंने पैसे डाल दिए <coughs> ठीक है फ्लाइट के पैसे तेरे पास हैं जब तेरा मन करे फ्लाइट बुक करा के आ जाना ठीक है लेकिन एक काम कर हर दिन ट्राई कर पैसे हैं तेरे पास जब तेरा मन करे आ जा एक दिन और ट्राई कर ले उस बात को आज अट्ठारह साल हो चुके हैं एंड दैट वॉज मतलब बहुत बढ़िया ट्रिक जो था मेरे माइंड में खेलना शुरू हुआ मैंने कहा हाँ, आज तो बहुत परेशान हो मतलब मन करता चले जाऊँ लेकिन पैसे यहाँ कभी चला सकता हूँ एक दिन और ट्राई कर लेता हूँ एक दिन और ट्राई कर लेता हूँ nice. वो जो मोटिवेशन था ना कि एक एक, एक एक दिन के मतलब ये नहीं सोचा कि फिर स्कूल चार साल में रहना है या दो साल रहना है या दस साल रहना है वो सोचा ही नहीं बस दिन के दिन देखा कि जिस दिन नहीं होगा उस दिन भाग जाएंगे अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो